एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी बैठा हुआ है और सोचने में लगा हुआ है कि किस तरीके से इसने कंपटीशन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और सब्सिडियन रिवॉर्ड मिल चुके हैं इनर सर्ट के द्वारा और उसके सिस्टम के द्वारा। अब जुआंग शीशान इस वक्त अपने रिलैक्स कल्टिवेशन के पीरियड में जा चुका है और वहीं पर वो आराम से अपना चिकन पका के खाने के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि अब से मैं आ चुका है कि मैं हाई क्वालिटी का प्रोटीन ले लूँ। अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत सीजनिंग और ऐड कर देता हूँ तो मुझे लगता है कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी अपने कमरे की तरफ है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ तक याद है मेरे पास अभी भी कुछ सीजनिंग पड़ी हुई है, कुछ मसाले पड़े हुए मेरे घर के अंदर। और जैसे ही वो कुछ बोतलें अंदर से बाहर लेकर आता है तो वो सामने देखकर कहीं शॉक हो जाता है, क्योंकि जो भी वो चिकन पकाने में लगा हुआ था वो तो पूरा का पूरा वहां से गायब हो चुका है, जिसको देखकर वो इतना शॉक हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोन्स क्यों बची हुई है। फिर इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार इसके साथ ये सब किसने किया है, तो उसने एक के बाद कई सारे ऐसे बार ट्राई किया, लेकिन एक भी बार उसके बारे में ये पकड़ में नहीं आया कि आखिरकार ये कांड किया तो किया किसने है। जिससे कि जुआंग शीशान ने एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसका दिमाग खराब हो जाता है और कहने लगता है काफी गुस्से वाला चेहरा बनाती हुई कि अब समय आ चुका है कि इस चूजे को मुझे पकड़ना ही पड़ेगा, लगता है कि यही कहीं आसपास छुपका बैठा हुआ है ये चूजा। और एक बार फिर से अपना जाल बिछाता है ताकि वो उसे पकड़ सके। और जब ये जाल बिछाता है तो ऑब्वियस देखने में लगा हुआ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बगल में जाकर छुप जाता है ताकि इसे कोई भी ना देख पाए। और मन में सोचते हुए कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं इस टर्की किंग रेट को जरूर पकड़ूंगा अपने इस बैट से। मुझे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं इस बंदे को नहीं पकड़ सकता जो भी मेरी चीजें चुराने में लगा हुआ है। और तभी एक बहुत तेजी से उड़ती हुई चीज हमारे एमसी के उस चिकन के पास जाने लगती है, जिसको शीशान तुरंत नोटिस कर लेता है और उसे पकड़ने के लिए वो तुरंत वो जो रस्सी बांधी हुई होती है उसको खींच देता है, जिससे कि जो भी उसको पकड़ने के लिए आया वो बंदा इसमें फंस जाता है। और खैर को वो छोटी सी लोली होती है, वो बंदी होती है और कुछ भी नहीं, और वो उसके चिकन पीस को जैसे उठाती है वो बंदा उसकी रस्सी में फंस जाती है। इसको देखकर ये कुछ भी नहीं सोच पाती। जब हमारा एमसी इसको देखता है शीशान, तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि ये कोई रैट वगैरह नहीं है, ये तो बल्कि मैं एक छोटी सी लड़की है, छोटी बच्ची है ये तो। और जब वे एक दूसरे को देखने लगते हैं तो वो एक दूसरे के सामने कुछ भी नहीं कह पाते और छोटी सी दिखने वाली बच्ची हमारे एमसी को खींचने लगती है। वो सोचती है कि भाई साहब ये तो चूजा है, इसके सामने क्या है, ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, और वहां से फुल स्पीड में भागना चालू कर देती है। और पीछे मुड़ते हुए देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें तो वाकई में ऐसा लगता है कि तुम तो मुझे छोटी मोटी रस्सियों से बांध कर रख सकते हो। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि हमारे एमसी शीशान ने तो उसी रस्सी को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है, वो अभी भी उसी के साथ आने में लगा हुआ है। तभी शीशान जोर से चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम चोर कहीं की, जल्दी से मेरा प्रोटीन मुझे वापस कर दो। जिसको देखकर वो छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि ये तो बस एक रोस्टेड चिकन है, तो मैं ये सब करने की जरूरत नहीं थी इसके लिए। जिससे कि उस बच्ची का दिमाग खराब हो जाता है और वो हमारे एमसी शीशान पर एक किक मारने लगती है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और आसपास का इलाका भी टूट जाता है। और वो छोटी सी बच्ची मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया था, अब तो तुम्हें अच्छा सबक मिल ही गया होगा। दूसरी तरफ पीछे से शीशान कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस है, रेड टर्की किंग है, ये बेस्ट है प्रोटीन के लिए हमारे लिए। और जैसे ही वो छोटी बच्ची हमारे एमसी को पीछे मुड़कर देखती है तो वो कतई शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में तो वो पीस होता ही नहीं है, वो तो हमारे एमसी ने ले लिया होता है। तभी शीशान सब कुछ खाने के बाद उससे कहने लगता है कि अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है और कहने लगती है कि तुम तो एक चोर, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और वो हमारे शीशान को मारने लगती है और जैसे उसका एक पंच जमीन पर लगता है तो वो जमीन ही वहां से टूट जाती है। भाई ये छोटी बच्ची है या फिर शैतान है? ये देखने के बाद शीशान काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि तुम लिटिल गर्ल कहीं की, आखिरकार तुम मुझे ही चोर कैसे बुलाने में लगी हुई हो। तभी वो लिटिल गर्ल उससे कहने लगती है कि जो चीज मेरे हाथ में आ जाए वो नेचुरली सी बात है कि वो मेरी बन जाती है, लेकिन तुमने मेरे हाथों से वो चीज चुरा ली है। जिसको देखकर उस छोटी सी बच्ची को काफी गुस्सा आने लगती है और शीशान को वो बुरी तरीके से पीटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शीशान किसी तरीके से उसके हर वार को डॉच करने में कामयाब रहता है। जिसको देखकर शीशान मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस छोटी सी बच्ची की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, इसका एक पंच, सिर्फ और सिर्फ एक पंच इतने बड़े माउंटेन्स के पत्थरों को तोड़ने के लिए काफी है। तभी वो छोटी बच्ची हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से छुपना चाहिए, वाओ, लेकिन तुम उससे बच नहीं सकते। तभी एक उड़ती हुई रस्सी उसकी तरफ आने लगती है जो कि उस छोटी सी बच्ची को वहीं पर बांध लेती है और वो छोटी सी बच्ची वहां पर मूव नहीं कर पाती। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो आसपास का पूरा जो इलाका है वो तुम्हारे द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी ये मुस्कुराती है छोटी सी बच्ची और उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये ऑर्डिनरी सी दिखने वाली रस्सी मुझे पकड़ने में कामयाब रहेगी, और फुल फोर्स में उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो तो इलास्टिक निकली भाई, वो वापस से बड़ी होगी वापस से छोटी हो जाती है, ऐसी रस्सी है। और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने के बाद भी जब वो उसे तोड़ नहीं पाती तो वो कहते शॉक हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बार 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 कहने लगती है कि टूट जा भाई टूट जा, क्या हो गया इसको। और वो इतनी ज्यादा शॉक होती है और कहने लगती है यहाँ तक कि अगर मेरे सामने हैवर रैंक का वेपन भी आ जाए तो वो भी मुझे ट्रैप कर नहीं रख सकता, तो आखिरकार तुम मुझे ये बताओ ये किस तरीके की रस्सी है जिससे कि मैं आजादी नहीं हो पा रही।
तभी शीशान उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि ये एक इलास्टिक रोप है जिसे मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इसे इतनी आसानी से तोड़ने में कामयाब रहोगी? और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो मेरे वर्कआउट इक्विपमेंट है, जो कि मुझे सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड के तरह दिए गए थे, उसे मैं इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे इस तरीके के काम भी आएंगे ये। तभी वो छोटी सी बच्ची शीशान पर चिल्लाते उससे कहने लगते है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम किससे पंगा लेने में लगी हुई हो? तुम्हें पता भी है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से रस्सियों से बांधने की? ये बात सुनकर शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो? और मन में सोचते हुए कह लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस छोटी सी बच्ची का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड हुआ तो? और जैसे वो घबराने लगता है तभी वो छोटी सी बच्ची उससे कह लगती है कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और सभी के सभी लोग मुझे मेरे बारे में इस पूरे पूरे सेक्टर में जानते हैं और मैं इस यूलिन मॉडल सेक्ट से हूँ और तुम्हें अब अपनी सीनियर सिस्टर का सम्मान करना चाहिए, तुम समझे? ये बात सुनने के बाद वहां पर एक भी कुछ भी नहीं कहता और हमारा एमसी भी कितना शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल की होगी, तो आखिरकार तुम मेरी सीनियर सिस्टर कैसे बन गई हो? ये देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि तुम मेरी उम्र पर मत जाओ, जब मैं इस सेक्टर में एंटर हुई थी तब तुम यहाँ पर नहीं थे, इसका मतलब मैं तुमसे पहले आई थी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हुई। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अगर तुम अपनी सीनियर सिस्टर को इस तरीके से ऑफेंड करोगे या फिर उसे गुस्सा दिलाओगे तो इसकी जो पनिशमेंट है वो क्या होने वाली है? जिसको देखकर हमारे एमसी थटक जाती है और वो उसे उठाने लगता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और जब हमारा एमसी अपने दोनों हाथों पर उसे उठा लेता है तो वो चिल्लाते हुए कहने लगते है कि हे आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो? तभी शीशान उससे कहने लगता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम यूलिन इमोटर सेट की स्टूडेंट हो या फिर डिसिपल हो, तो अब चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुकी है। मैं तुम्हें मेल हॉर्न में ले जाता हूँ और वहां पर सीधे जाकर कंपनसेशन के बारे में, अपने प्रोटीन के लॉस के बारे में, कंपनसेशन के बारे में बात कर सकता हूँ लीडर से। और वह उसे उठाकर अपने हाथों पर वहां पर ले जाने लगता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए या फिर अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए? सीनियरिटी में तुम्हें अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। खैर ये छोटी है वैसे उम्र से देखी जाए तो, लेकिन सीनियरिटी में कह सकते हो कि वो पहले इतनी इस तरीके से इनका माना जाता कुछ। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे क्या लगता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और तभी हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाता है और उससे कह लगता है कि अरे नहीं, यहाँ पर एक लिटिल विच वापस आ चुकी है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। और ये उसी छोटी सी बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं और पूरा का पूरा इलाका इस छोटी सी बच्ची को देखने के बाद पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जब शीशान उसे देखता है तो वो कभी शॉक होते हैं, उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर इतनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो छोटी सी बच्ची उससे क्या लगता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, और शीशान उसे रस्सी से बांध कर किसी जानवर की तरह वहां उसे ले जाने लगता है। और जब ऐसा होते हुए बाकी के आम स्टूडेंट देखते हैं तो वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि ये लिटिल बिच हमारी यूलिन मॉडल सेट की नहीं है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे इस बीएडओ के द्वारा या फिर अजीब बंदे के द्वारा जो कि जुआंग शीशान है उसके द्वारा सबड्यू कर लिया गया है, बांध दिया गया है। बात तो सही है यार तुम्हारी ब्रो, मानना तो पड़ेगा, एक अजीब इंसान ही दूसरे अजीब इंसान को अपने शब्दों में या फिर अपनी पावर से दबा सकता है या फिर अपने कंट्रोल में कर सकता है। जब ये छोटी सी बच्ची इसकी फालतू की बातें सुनने में लगी हुई होती है तो उसका दिमाग खराब होने में लगता है और अपने पैरों से एक पत्थर पर जोरदार किक मारती है जैसे कि फुटबॉल खेलने में लगी हुई है और सीधे जाकर वो पत्थर गोल पर लगता है और जो लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदे की बैंड बज जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको देखकर आसपास के स्टूडेंट कहीं शॉक हो जाते हैं। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि हे तुम्हें अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। तभी छोटी बच्ची उससे कहने लगती है कि मुझे जब मेरे बारे में लोग मेरे पीठ के पीछे पीछे बात करें तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम्हारे किस तरीके के पेरेंट्स हैं जिसने तुम्हें इस तरीके से बड़ा किया है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न बन चुकी हो। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसको पालने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं इस सेट की लीडर होती है और वो उससे कह रही होती है कि ये बात सच है, ये मैं ही इसकी मदर हूँ, मैंने ही इसे पाला है। और जब ये बात हमारे एमसी शीशान को पता चलती है तो उसका मुंह शौक के मारे फटाका फटा रह जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा कह दिया था जो कि भाई साहब को सोच भी नहीं सकता और सारी की सारी डिटेल वो इस सेक्ट लीडर को बता देता है। तभी सेक्ट लीडर उससे कहने लगती है कि मैं समझ चुकी हूँ उसके बारे में कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हुई थी। और वो छोटी सी बच्ची से कहने लगती है सेक्ट लीडर क्या तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर आइसोलेशन पर मैंने रही रखा था तो आखिरकार तुम बाहर कैसे आ गए यहाँ पर फिर से? तभी वो छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर किसी ने स्प्लिट मेजरिंग स्टोन को एक ही पंच में तोड़ दिया है, यहाँ तक कि जो उस स्वर्ण टूर्नामेंट में वो भी तोड़ दिया है, तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी को बिल्कुल भी बंद करके नहीं रख पाई और मैं उस बंदे से मिलना चाहती थी इसलिए मैं बाहर आ गई। तभी सेक्ट लीडर परेशान हो जाती है और उससे कह लगती है कि तुम्हें तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो एक मंथ तक और बढ़ा दी जाती है और तुम्हें जल्द से जल्द डोजिंग की बुक को या फिर कॉपी को दबर से कॉपी करना होगा यानी मल्टीप्लाई बाय लिखना होगा। सीधे शब्दों में कहो तो रूल्स के बुक्स भी कह सकते हो, एक तरीके से बस कॉपी तो करना है। ये बात सुनने के बाद छोटी बच्ची काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे क्या लगता है कि नहीं अगर मैं ऐसा करती हूँ तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा मेरा। ये बात सुनने के बाद वो जो सेक्ट लीडर है वो उससे कहने लगती है क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है कंप्लेन करने के लिए, और वो काफी सीरियस भी लग रही होती है।
तभी छोटी सी बच्ची मान जाती है और वो उसके सामने हिम्मत नहीं दिखा पाती और उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं वाकई में विड्रॉ कर जाती हूँ और वापस चले जाती हूँ और मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करूंगी। और तभी वह वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इसको देखकर जो सेक्स लीडर है वो उससे कहने लगते है कि मानना तो पड़ेगा, ये वाकई में बहुत ज्यादा पिटीफुल चाइल्ड है। और हमारे एमसी शीशान को बताने लगती है कि ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो एमसी काफी सरप्राइज होता है और उससे पूछ लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से डिफरेंट है। जहाँ पर सेक्स लीडर से बताने लगती है कि ये जो बच्ची है वो एक बहुत बड़े एग से बाहर निकली है, जिसे मैंने कई साल पहले दूड़ा था एक अजीब सी जगह पर। इसे देखने के बाद, सुनने के बाद शीशान का तो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या एक अंडे के अंदर से। और जैसी बात अंडे की आती है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर वो अंडे को मैं खाता तो मुझे कितने ज्यादा प्रोटीन मिलता। फॉर्चुनेटली किस्मत वाली बात है कि मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पिकअप किया था उस वक्त, वरना पक्का मैं उसको अब तक खा चुका होता। और तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगती है कि ओरिजिनली देखा जाए तो मैं उस अंडे को बॉयल कर खाने के बारे में सोचने में लगे हुए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ जायंट एग है उसे मैंने जैसे ही फ्लेम्स पर रखा वो अचानक से वो क्रैक होने लगा और उस अंडे के अंदर से वो छोटी सी लड़की बाहर निकल आई। जिसको सुनने के बाद हमारा एमसी शीशान भी कहते शौक हो जाता है, भाई अभी तक हमारा एमसी सोचने लगा था खाने के बारे में, अब ये सेक्ट मास्टर भी सेम सेम सोच रही थी। भाई दोनों की सोच कतई मिलती है। और सेक्ट मास्टर उसे बताने लगते कि सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था, जब वो उस अंडे के बाहर से निकली थी, तो वो स्टार्टिंग से इसकी जो कल्टीवेशन है वो बॉडी रिफाइनिंग में थी और उसके बॉडी के अंदर इनिशियल डिवाइन पावर थी, जो कि इसका जो साइकी हुआ है, इसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए मैंने उस पर थोड़ी सी दया दिखाई और मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया अपने डॉटर के तौर पर। इसे जानने के बाद शीशान काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये एक फोस्टर मदर है, यानी कि स्टेप मदर है क्या सकते हो तरीके से। दूसरे पर मैं छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बाकी के छोटे जानवरों के साथ खोलने की कोशिश करती है खेलने की, तो जैसे ही वो अपने गले लगाती है इसको तो वो वहीं पर मर जाता है जानवर। जहाँ पर सेक्ट मास्टर भी बता रही होती है कि ये जो छोटी सी बच्ची है वो अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती अपनी इच्छा अनुसार। अभी जैसे वो किसी को छूने की कोशिश करती है या फिर किसी को अपना दोस्त बनाती है तो वो उसकी जान खो वो अपनी जान खो देता है, तो वो कोई भी पक्षी या पशु पक्षी जानवर वगैरह उसके नजदीक नहीं आता है। और जैसे वो मर जाता है तो वो छोटी सी बच्ची उसको दफना कर उससे माफी मांगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को फिर से खो दिया तो मुझे माफ कर देना। यहाँ पर सेक्ट मास्टर बताती है कि कई कई बार तो वो चाहती नहीं है इसको किसी को डैमेज पहुंचाना, लेकिन फिर भी उसके कारण दूसरे बंदों को डैमेज पहुंच जाता है और कभी कभी तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। एक बंदे को एक बार तो उसने हाथ मिलाने की कोशिश की थी लेकिन उसके हाथ की बैंड बज गई और वो टूट गया और वो चिल्लाते हुए भागने लगा। और इसी कारण से इस छोटी सी बच्ची का कोई भी दोस्त नहीं बना है आज तक। और जब ये बात शीशान को पता चलती है तो वो कतई शॉक हो जाता है और अपने बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से इसका कोई भी दोस्त नहीं बना। और जब पास्ट लाइफ में इसके भी दोस्त नहीं बन रहे थे तो वो अपनी मॉम से शिकायत करने गया था और कह रहा था कि आखिरकार कोई भी मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता। तो उसकी मॉम ने उसने कहा था पिछले जन्म वाली कि शायद तो तुम्हारे जो दोस्त है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि वो कहीं तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। जिसको जानने के बाद हमारा एमसी शीशान मन में सोचते हुए कह लगता है कि छोटी सी बच्ची है वो बिल्कुल मेरे प्रीवियस लाइफ की तरह है। तभी सेक्ट मास्टर उससे कह लगती है कि जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे ही छोटी सी बच्ची की जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से चेंज होती रही और वो काफी ज्यादा विलफुल बनती जा रही है, मिस्चीवियस, और दूसरों के खिलाफ प्रैंक करना उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता जा रहा है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि वो सारी की सारी हरकत है क्या अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है अटेंशन को। मैं ये समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी भी उसके हंसी और खेलने वाले व्यवहार को गलत मतलब इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। शायद शायद वो अपने दिल के अंदर अभी भी काफी ज्यादा अकेली है और वो अकेला महसूस करने में लगी हुई है और इसीलिए वो ये सब कर रही है शायद। तभी हमें छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ पर अपनी प्रैक्टिस करने में लगी हुई होती है एक पत्थर पर पंच मारते मारते, और उसका हर एक पंच इतना पावरफुल होता है कि वो उसमें एक बहुत बड़ा छेद कर देती है। और उससे कहने में लगी हुई थी तुम कमीने डैम जुआंग शीशान, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की, तुम्हारे कारण मेरी जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी हमारा एमसी शीशान उसकी जगह पर आकर उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वह जगह जहाँ पर तुम रहती हो। जैसे वो देखते कि शीशान यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ होता है तो वो कतई शौक हो जाती है और पीछे मुड़कर कभी सरप्राइज होते चिल्लाते कहने लगते कि तुम आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो, तुम्हें कैसे पता कि आखिरकार ये मेरी जगह है और ये मेरी जगह पर तुम आए तो आए कैसे, क्या तुम यहाँ पर मुझे वापस से मोह करने के लिए आए या फिर गुस्सा दिलाने के लिए आए, मेरी बेइज्जती करने के लिए आए, मैंने सही कहा ना। और जब इस तरीके से बिहेवियर देखता है हमारा एमसी शीशान इस छोटी सी बच्ची का तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सेक्ट मास्टर की बातों को याद करने लगता है कि जो उसने कहा था, जहाँ पर सेक्ट मास्टर ने कहा था कि तुम्हारी और उस छोटी सी बच्ची की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉमन है, शायद तुम उस छोटी सी बच्ची की थोड़ी बहुत तो मदद कर पाओगे। तभी शीशान उससे कहने लगता कि अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि यह है तुम्हारा लिविंग एनवायरनमेंट, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि हर चीज यहाँ पर टूटी फूटी क्यों पड़ी हुई है, जैसे ये कोई जंक यार्ड पड़ा हो। ये बात जानने के बाद वो छोटी सी बच्ची काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम वाकई में मुझे मोक करने के लिए आए और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आए, मुझे वाकई में गुस्सा आ चुका है, अब तुम बचकर दिखाओ, और उसे मारने की पोजीशन में आ जाती है।
तभी शीशान उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें दूसरों के ऊपर प्रैंक्स करना काफी ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि तुम शायद दूसरों की अटेंशन अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब करते हो। मैंने सही कहा ना? ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम्हारे दिल के अंदर तुम हमेशा से अपने दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे इस पावरफुल साइकिल या फिर पावरफुल बॉडी के कारण तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को चोट पहुंचा देती हूँ, जिससे कि वो तुम्हारे बिल्कुल भी नजदीक नहीं आते। और ये कहते कहते मन में सोचने लगता है कि बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ की तरह। और जब ये बात छोटी सी बच्ची सुनती है तो वो कतई शौक हो जाती है और उसके जवाब में कुछ भी नहीं कह पाती और तुरंत वह पीछे की तरफ मुड़ जाती है और घबराते हुए उससे कहने लगते कि आखिरकार तुमसे इसने ऐसा किसने कहा। और वहीं पर जोर जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगते किसने कि कहा कि आखिरकार मेरे पास बिल्कुल भी दोस्त मौजूद नहीं है। तभी वो एक पुतले को दिखाने लगती है और उससे कहने लगती है इस पुतले के बारे में, ये है लिटिल मून नंबर 11। और तभी दूसरे वाले पुतले को दिखाती और कहने लगती है कि ये है नंबर 12, ये है मेरे सभी के सभी दोस्तों, में इनसे जाकर मिलो। जब ये बात शीशान को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि भाई मैटर तो काफी ज्यादा सीरियस बढ़ चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनी हुई गुड़िया के स्टोन तरह फिर स्टोन से बने हुए मूर्ति वगैरह नहीं है, ये लगता है कि ये बच्ची कुछ ज्यादा ही बीमार हो चुकी है, मुझे इसका कुछ करना होगा जल्द से जल्द। तभी छोटी सी बच्ची उससे कहने लगते कि थे तो मैं क्या पता मेरे बारे में, तुम मेरे बारे में कैसे सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें काफी दिनों से ऑब्जर्व किया है, तुम्हें देखते हो कि तुम किस तरह इस जगह पर रहते हो, काफी रिमोटली रहते हो, अकेले रहते हो, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, इससे ये साफ साफ साबित होता है कि तुम्हारे भी यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है। ये बात जानने के बाद शीशान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, खैर बात तो सही है कि इसके भी कोई फ्रेंड नहीं है। और जब ये बात शीशान को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुमसे इसने कहा किसने कहा कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। तभी वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए वो आइटम्स निकालता है और उससे क्या लगता है कि जरा इसे देखो, मेरे दोस्त का नाम, ये है मेरा फ्रेंड, इसका नाम तेईगान है। और तभी डंबल निकालकर फिर दिखाता है और उससे क्या लगता है कि तुम इससे मिलो, ये है मेरा दूसरा दोस्त, इसका नाम दुशवांग है। और तभी वो रोप को दिखाता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरे इस फ्रेंड से मिलो, इसका नाम जी गुआओ है। इसको देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची का शौक हो जाती है। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी मेरे साथी हैं जो कि मेरा हर वक्त साथ देते हैं और उसने पूरी इन्होंने लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताई है। जिसको देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची कितनी शौक हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगते कि अरे बिग ब्रदर आपकी सिचुएशन तो मुझसे भी बहुत ज्यादा खराब है भाई, और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तभी हमारा एमसी शीशान एक बुक निकालता है और वो छोटी सी बच्ची को देते हुए उससे कहने लगता है कि ये बुक तुम्हारे लिए है। इसे जानने के बाद वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बंदा क्या दे रहा है मुझे। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है, अगर तुम चाहो तो इसे कंपनसेशन के तौर पर समझ सकती हो, तुम्हारी जो पनिशमेंट हुई मेरे कारण इंक्रीज हुई है उसके लिए। और वो उस बुक को एक्सेप्ट कर लेती और जैसे वो उस बुक का टाइटल पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इस बुक का नाम शिवा मेडिटेशन टेक्निक होता है। और वो बेकार सा चेहरा बनाते हुए शीशान से कहने लगती है कि इसका देखो तो कितना ज्यादा अगली फॉन्ट है, क्या तुमने वाकई में अपने हाथों से इस चीज को लिखा हुआ है, तुम्हारी राइटिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। ये बात सुनने के बाद शीशान चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने किसे कहा कि वो काफी डिस्गस्टेड है, तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये बुक बहुत ज्यादा खराब लग रही हो तुम्हें। और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार इसकी जो हैंड रिटन कॉपी है वो कितनी ज्यादा प्रीसियस और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिसके मुझे मसल कल्टिवेशन सिस्टम के द्वारा दी गई थी और जब मैंने इसे सभी के सभी मेजर टास्क को कंप्लीट कर लिया था तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और ये बुक हासिल करने के लिए मुझे कई सारे मिशन पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ी थी। हाँ, और तभी आसपास के इलाके को देखता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये हालात को देख सकता हूँ, तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है तो तुम्हें अपनी जो पावर है उसे फ्रीली कंट्रोल करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तुम्हारे जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, खासकर तब तुम अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हो और तुम्हारे जो मसल्स हैं वो काफी ज्यादा टेंस होते हैं समय के साथ साथ। और इस समय पर तुम्हें कोई स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की या फिर कोई मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें अपने आप को अंदर से रिलैक्स करने की जरूरत है। और जो टेक्निक मैं तुम्हें देने वाला हूँ जो कि शिवा मेडिटेशन टेक्निक है, वो तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा और तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस को अच्छी तरीके से रेगुलेट करने में और रिलैक्स करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। तुम्हारे जो मसल्स हैं, तुम्हारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफी रिलैक्स हो जाएंगे और तुम्हारा जो मूड है वो भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। तुम चाहो तो उसके बारे में सोच सकती हो। और चलो मैं अब जहाँ से चलता हूँ, बहुत होगी मेरी बकवास। ये कहते कहते वो वहां से चला जाता है तो जब ये लड़की शीशान को जाते हुए देखती छोटी बच्ची तो वो काफी ज्यादा सपराध हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती और उस बुक को देखने के बाद वो वहीं पर रोने चालू कर देती है। तभी एंट्री होती है हमारे शीशान की जिंदगी में एक नए विलन की और वो मोबाइल में देखते हुए जो कि उनका अलग ही टेक्नोलॉजी है उसको सारी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है सेट के द्वारा, उस मोबाइल को ये बंदा देखता है मोबाइल इस चीज को और उससे क्या लगता है कि सभी के सभी लोग इसी बंदे के बारे में बात करने में लगे हुए हैं। जो नया स्टूडेंट है जिसका नाम जुआंग शीशान है वो अपनी तरफ काफी अट्रैक्शन खींचने में लगा हुआ है आजकल। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जहां पर शीशान ने इसकी गंदी तरीके से बैंड बजाई थी जब इसको पैर रखकर अपने कंपटीशन को जीत गया था। वो रोते रोते उससे कहने लगता है कि जी हाँ ये वही बंदा है, इसी बंदे ने वहां पर
बेकार तरीकों का इस्तेमाल किया था मुझसे उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और मेरी हालत इस तरीके से कर दी थी उस बंदे ने। फिर उसके बाद हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग में उसके चौड़े में हमारे एमसी ने जब जोर जोर से लात मार दी थी, क्योंकि इसने कंपटीशन के लिए उसे चैलेंज तो कर दिया था, तो अभी भी इसके पिछवाड़े में खून निकलने पर लगा हुआ है। और वो उससे कह लगता है कि जो मेरी इंजरी हुई है उस डुअल के दौरान वो अभी तक पूरी तरीके से हील भी नहीं हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे ब्रदर ले आए हुए हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे लिए इंसाफ करेंगे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उन दोनों से कह लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक जो न्यू कमर है वो कुछ ज्यादा ही अटेंशन खींचने में लगा हुआ है, लगता है कि इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तभी हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे आइटम्स बेचने में लगे हुए होते हैं और कुछ तो ऐसे पत्थर भी बेच रहे होते हैं जिसके अंदर एनर्जीज मौजूद होती है। तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सेक्ट के घूम रहे होते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट बात करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये सभी के सभी सेलर्स कौन है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पहली बार आए हुए हैं और काफी नए पैसे दिखने में लगे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद दूसरे बंदा उससे कहने लगता है कि वे सभी के सभी वंडरिंग मर्चेंट है। कभी कभी यहाँ पर माउंटेन्स के जो लोग हैं वो अलाउ कर देते हैं इस तरीके की ट्रेड को करने के लिए। तभी वो बंदा कह लगता है कि हमें अपनी किस्मत को ट्राई करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उसे मना करने लगता है और उससे कह लगता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि जो ओरिजिन स्टोन के मर्चेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के लिए बिजनेस करते हैं। अगर तुम्हें स्कैम कर लिए गए लोगों के द्वारा तो आखिरकार तुम किससे एक्सप्लेनेशन मांगोगे, किसके पास जाकर कहोगे कि आखिरकार मेरे साथ स्कैम हो चुका है। और जब इनकी बातें चली रही होती है तभी किसी को चिल्लाने की आवाज होती है और कोई कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, अभी भी यहाँ पर इस बंदे को मिडिल ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स मिल चुका है। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है और कहने लगता है कि क्रिस्टल सोर्स कंटेन करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को, जो कि एक कल्टीवेटर के लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बराबर है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में हम लोग यूनिवर्सल करेंसी के तौर पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसको हम देखा जाए कि आखिरकार वो कितनी ज्यादा एनर्जी को कंटेन करता है, उसका जो क्रिस्टल सोर्स है उसे डिवाइड किया गया है लो, मिडिल, हाई और टॉप ग्रेड में। और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि आखिरकार जो वंडरिंग मर्चेंट यहाँ पर बैठा हुआ है बेचने में लगा हुआ है उसके पास एक्चुअली में मिडिल ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स मौजूद है। आखिरकार किस बंदे की इतनी किस्मत अच्छी हो गई है कि इसे इतना ज्यादा बढ़िया चीज मिल चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और बंदा नहीं बल्कि में हमारा एमसी शीशान होता है। तभी उसकी जो चेली होती है हमारे एमसी की, वो उसके पास आकर वो उस स्टोन को उठाते हैं और उससे कहने लगती है कि वाओ वाओ ब्रो, तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी होगी बेनिफेक्टर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट हो, ये तो मीडियम ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स है। और इस तरीके के जो इस कैलिबर के जो क्रिस्टल है वो वाकई में इस पूरे पूरे वेस्टर्न में काफी रेयर बात है। और जो बेचने वाला मर्चेंट होता है वो मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये बंदे की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है कि इसने इतने ज्यादा 100 लो ग्रेड के स्प्रिट स्टोन के बीच में इस बंदे के हाथों में सिर्फ और सिर्फ मिडिल ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स ही क्यों लगा। तभी हमारे एमसी मन में सोचते सोचते काफी उदास होने में लगा हुआ होता है और कहने में लगा होता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्यों आने में लगे हुए हैं और सभी लोग मुझे ही क्यों घूरने में लगे हुए हैं, लगता है कि मैंने वापस से वाकई में बहुत ज्यादा अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। अगर ये उस सिस्टम के द्वारा मुझे मैंडेटरी टास्क नहीं दिया गया होता तो आखिरकार मैं इस जैसी क्राउडेड जगह पर कभी भी नहीं आता जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ होता है। तभी अचानक से वो हरामी सिस्टम हमारे एमसी के बीच में आकर उससे कहने लगता है कि एक ओरिजिन स्टोन मर्चेंट को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है और तुम्हारा जो मैंडेटरी टास्क है कंपलसरी टास्क है, तो मैं उसमें से टॉप ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स को हासिल करना होगा मर्चेंट के सभी के सभी आइटम में से। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो रिक्वायरमेंट है पहले मुझे इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उसके लिए मुझे 1000 मीडियम ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स चाहिए पड़ेंगे, पहले इसके बारे में सोचा जाए और कलेक्ट किया जाए। और जब इतना सोचने में लगा ही होता है तभी किसी के ताली बजाने की आवाज आती है और कोई हमारे एमसी शीशान की तारीफ करने में लगा हुआ है और वो बंदा कोई पीछे से आकर हमारे एमसी के बारे में कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में उम्मीद नहीं किया था कि जो जुवांग शीशान है जो कि एक न्यू कमर है हमारे इस इनर सेट में वो आजकल अपने तरफ इतनी ज्यादा अटेंशन खींचने में लगा हुआ है और वाकई में उसके पास ओरिजिन स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए इतनी ज्यादा नॉलेज मौजूद है। देखना ही वाकई में जब मैं अपनी आंखों से चीजों को देखता हूँ तो मैं उसी चीज पर भरोसा करता हूँ। मेरा नाम लियाओ चेंग है और मेरे मन में तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि हमारे सेक्टर में इस तरीके का कोई पर्सन भी मौजूद है कई सारे स्टूडेंट्स में। ये बात जानने के बाद एमसी की चेली उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है और कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा एक न्यू स्टूडेंट रही है बल्कि मैं यूलिन इमोर्टल सेक्ट में काफी सालों से प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है और जो हमारा एक सीनियर है त्यांजी क्लास का। ये बात जानने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी ये बंदा अपने साथी को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि मेरे एक फ्रेंड मौजूद है जो कि ओरिजिनल डिटेक्टिंग टेक्निक में काफी ज्यादा अच्छा है, ये भी इसके पास भी काफी ज्यादा नॉलेज मौजूद है, तो कैसा रहेगा कि आखिरकार तुम यहाँ पर हमारे साथ कुछ पॉइंटर्स को चेंज एक्सचेंज करो या फिर कॉम्पिटिशन करो, इस तरीके यही मान लो। सीधे शब्दों में वो हमारे एमसी शीशान को चैलेंज करने में लगा हुआ है और तभी वो बंदा आकर शीशान को
अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि मेरा नाम फेंग तियानशुओ है और अभी भी मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी जो ओरिजिन डिटेक्टिव टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज्यादा सुपर्ब है, तो मैं यहाँ पर तुमसे एडवाइस लेने के लिए आया हुआ हूँ ताकि मैं पता लगा सकूँ। ये बात सुनने के बाद शीशान काफी सफरात हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ओरिजिन डिटेक्टिव टेक्निक, अगर कर तुम किस ओरिजिन डिटेक्टिव टेक्निक के बारे में बात करने में लगे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी फेंग ये बात सुनता है शीशान की तो उससे कहने लगता है कि हे ब्रदर जुआंग, अगर तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, चलो अगर ऐसी बात है तो मेरे सिंसियरिटी के लिए तो मेरे पास जो तुच्छ सी स्टेल है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और तभी भी उन स्टोन के पास अपने पैरों से उधर जाए लगता है और उन स्टोन को एक तरफ एक करके देखने लगता है। तभी उस फेंग की नजर एक स्टोन पर जाती है और वो उस स्टोन को जाकर सिलेक्ट कर लेता है और वहां पर जो मर्चेंट है उससे कहने लगता है कि हे बॉस, मैं इस ओरिजिन स्टोन को खरीदना चाहूंगा। और उसको लेने के बाद वो अपने हाथों से तुरंत उसे काट देता है और जैसे वो काटता है तो उसके अंदर येलो कलर का एक स्टोन मौजूद होता है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, खासकर वो लिटिल सर्वेंट हमारे एमसी की चेली कह सकते हो। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी का तो शौक होता है और उससे क्या लगता है कि ये तो टॉप ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स है, इस बंदे ने इतना ज्यादा हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स को एक ही बार में एक ही ट्राई में ओपन कर लिया, ये बंदा तो अमेजिंग है। और जब बाकी के लोगों को इस बारे में पता चलता तो सभी के सभी लोग आपस में कानाफूसी करते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे की जो आई साइट है वो आखिरकार इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सोर्स अप्रेजल मास्टर है बहुत। तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और वो सिस्टम उसे हमारे एमसी शीशन को अलर्ट देने लगता है, जिस बात को सुनने के बाद वो काफी शौक हो जाता है और सिस्टम वार्निंग देते हैं उससे कह लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टॉप ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स बचा हुआ है इस ओरिजिन स्टोन में, अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी या फिर इस मौके का फायदा नहीं उठाया होस्ट तो तुम इसे इस जो चांस है तुम्हारा वो तुम उसे लॉस्ट कर दोगे। ये बात जानने के बाद शीशन काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे से मजाक कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तभी वो बंदा आता है एमसी शीशन के पास और उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो जुआंग शीशन, क्या तुम यहाँ पर जो हमारा जो चैलेंज है इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा पावरफुल सोर्स क्रिस्टल को ओपन करता है और किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी यहाँ पर हारेगा वो अपने सभी के सभी क्रिस्टल सोर्सेस को जो भी आज ओपन करेगा वो सारे के सारे अपोजिट पार्टी को दे देगा। कैसा लगा इस बारे में? जैसे हमारा एमसी शीशन इसके बारे में सोचने लगता है तो सिस्टम वापस से आता है और उसे कहने लगता है कि ये तुम्हारा मैंडेटरी टास्क है, जो तुम्हें गैम्बल करने के लिए चैलेंज दिया जा रहा है, इस इनविटेशन को तुम्हें चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा और जीतना होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी शीशन उससे कहने लगता है कि आखिरकार किसे इस बात का डर है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मेरी पावर क्या है। जब हमारा एमसी शीशन थोड़ा बहुत सोचने लगता है तो वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और दूसरा वाला बंदा उस क्रिस्टल को अपनी पॉकेट रिंग में डाल लेता है और तभी जी मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छा, तुम लोगों वाकई में बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो, तुम मेरी ट्रैप में इतनी आसानी से फंस चुके हो। और वो बंदा कहने लगता है कि यह तुम्हारी बैट है उस फेंग तियानशुओ के साथ, मैं भी यहाँ पर एक एडिशनल मैं प्रपोज करना चाहूंगा बैट को तुमसे तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हारे एक बाप की औलाद है तो एक्सेप्ट करना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद एमसी शीशन उससे कहने लगता है कि एक एडिशनल बैट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और बंदा उससे कहने लगता है कि हम दोनों यहाँ पर 10,000 लो ग्रेड के स्टोन को यहाँ पर शर्त के तौर पर लगाएंगे और जो भी यहाँ पर हार जाएगा वो जीतने वाले पार्टी को सभी के सभी स्टोन दे देगा जो भी कट करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा बल्कि मुझे 10,000 स्पिरिट स्टोन रहेंगे वो भी देने पड़ेंगे। ये बात सुनने के बाद आसपास के लोग काफी शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये एक मजाक चलने में लगा हुआ है, यहाँ तो 10,000 स्पिरिट स्टोन की बात चलने में लगी हुई है, वो भी इतने सारा, मैं 10 सालों से इस सेट के अंदर मौजूद हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग रेट के स्प्रिट स्टोन को ही कलेक्ट कर पाया है। मानना पड़ेगा जो तियानजी क्लास के जो सीनियर है वो वाकई में अमेजिंग है। तभी हमारा एमसी अपनी लिटिल सर्वेंट से पूछे लगता है और उससे क्या लगता है कि हे जू यिंगलिंग, आखिरकार तुम्हारे पास कितने ज्यादा लोग रेट के स्प्रिट स्टोन मौजूद है और मेरे पास कितने बचेंगे अगर मैं इसे क्रेडिट के तौर पर बदल देता हूँ तो। तभी वो उसकी सर्वेंट से बताने लगती है उसकी चेली की मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं बचे हुए। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी का शौक हो जाता है और उसका जो अपोनेंट है वो काफी खुश होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 से कम बचे हुए हैं, इतने स्टोन से तो वो मुश्किल से ही कोई रिसेंट तरीके से ही कोई ओरिजिनल स्टोन को खरीद सकता है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी स्प्रिट स्टोन मौजूद नहीं है बिल्कुल भी। ये बात सुनने के बाद सामने वाला अपोनेंट उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो तुम 3 सालों के लिए मेरे सर्वेंट बन जाओगे, इसे तुम कंपनसेशन के तौर पर समझ सकते हो और मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। तभी एमसी की जो शीशान की लिटिल चेली होती है वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी से मना करती है, उससे कहने लगती है कि बेनिफेक्टर आप इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तुम इस बात से एग्री मत होना, इस बंदे को ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पहले ही तैयार होकर आया हुआ है। तभी शीशान मन में सोचते हुए कहने लगता है कि बाकी में मुझसे मना तो करना चाहता लेकिन जो भड़वा सिस्टम है ना वो मैंडेटरी टास्क दे दिया है, उसने कह दिया कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और हमारा एमसी तुरंत उस बैट को एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात जानने के बाद उसकी सर्वेंट का उसकी चेली है तो वो तो कभी शॉक हो जाती है। तभी एक वंडरिंग मर्चेंट उसके पास तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि ये काफी रेयर वाली बात है कि ओरिजिन डिटेक्टिव टेक्निक मुझे कंपटीशन जहां पर इस सेट के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, ये काफी रेयर बात है मेरे लिए।
और अगर ऐसी बात है तो मेरे पास जो बड़ी बड़ी आइटम्स बचे हुए हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। और उसकी रिंग में तीन बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं और उन तीनों बड़े बड़े पत्थरों को बाहर निकाल देता है और इसके बारे में सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उससे कहने लगता है कि ये एक 9 होल ओरिजिन स्टोन है जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया है और इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसने हेवन एंड अर्थ की कई सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हाई इसको कट करने के बाद हाई ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स को लेने की वो काफी ज्यादा है। मैंने इसके बारे में इसको बेचने के बारे में प्लान किया था कि मैं इसे हेवनली युआन स्टोन पवेलियन में बेचूंगा, लेकिन आज अब मुझे यहाँ पर इतनी बढ़िया चीज देखने को मिल रही है, कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि मैं इसको यहाँ पर निकालूंगा। तभी वो उसका अपोनेंट होता है एमसी का, वो उससे कहने लगता है कि अच्छा चलो चलो देखते हैं कि आखिरकार किसकी ओरिजिन रिटर्निंग टेक्निक है वो कितनी इस कंपटीशन में वो किसकी ज्यादा बेटर है, चलो इसे चालू करते हैं। अब तभी हमारा एमसी उन स्टोन को डिटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और सामने वाला जो अपोनेंट है वो भी अपनी आंखों की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और उसे मिडिल वाले स्टोन में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है और वो पहचान लेता है इसको। और तभी हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि मैं इस स्टोन को खरीदना चाहूंगा। ये बात जानकर वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट इसको ये बंदा पहले ले लिया, इस बंदे ने इस स्टोन को, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा वो जो मर्चेंट होता है वो उससे कहने लगता है कि यंग मैन तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी आंखें हैं और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो ओरिजिनल स्टोन है इसकी कीमत 3000 स्प्लिट स्टोन है, क्या तुम इसे खरीद पाओगे। तभी शीशान इस बात को जानकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्प्लिट स्टोन में कैसे इसे बेच सकते हो, मैं तो इसे बिल्कुल भी इसे बाय नहीं कर पाऊंगा। और उससे क्या लगता है क्या मैं इसे मिडिल ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स के जो भी मुझे मिला है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ खरीदने के लिए। तभी जो फैंग है वो इस मौका फायदा उठाता है और हमारे एमसी शीशान से क्या लगता है कि जो क्रिस्टल सोर्स तुम्हें मिला था ओपन किया था कुछ देर पहले तुमने उसे ऑलरेडी बेड पर लगा दिया है तो तुम्हें इसे ट्रेड नहीं कर सकते ना ही तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सभी के सभी मिली भगत होती है और वो हमारे एमसी को बिल्कुल भी मौका नहीं देते और वो तुरंत जो हमारे एमसी ने पत्थर को चुना था उसी पत्थर को ये बंदा चुन लेता और क्या लगता है कि मैं इसे खरीदना चाहूंगा। इस बात को सुनने के बाद एमसी का तो शौक हो जाता है। ये बात जानने के बाद लिटिल चिली चिल्लाती है और उससे कह लगती है कि तुम कितने डिस्पिकेबल बंदे हो, तुम यहाँ पर प्लानिंग करके आए हो ना तुम सभी के सभी लोग। ये बात सुनने के बाद फैंग उससे कहने लगता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फेयर कंपटीशन में एंगेज होने में लगे हुए हैं, अगर तुम्हारे पास इनफ स्प्रिट स्टोन मौजूद नहीं इन्हें खरीदने के लिए तो इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और वो हमारे एमसी को बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देता कि आखिरकार किस तरीके से स्प्रिट स्टोन लेकर आए और वो तुरंत उस स्टोन को कट कर देता है ताकि वो स्टोन को अपना बना सके। और जैसे ही वो उसको कट करता है तो वहां पर उसे एक ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा स्टोन मिल जाता है। इसको देखने के बाद शीशान काफी शौक होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बचा हुआ लास्ट हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स था। और वो फैंग उससे कहने लगता है कि भले ही मैं यहाँ पर एक कंपटीशन में हूँ लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल भी सोचना चाहिए कि मैं कोई लो लेवल का ओरिजिनल अपेरेजल मास्टर हूँ, मैं बल्कि मैं बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा एस्टिमेट हाई लेवल का ओरिजिन अपेरेजल मास्टर हूँ, क्योंकि जो लोअर लेवल के होते हैं वो आइडेंटिटी कर सकते हैं उसके सोर्स को, डिटेक्ट कर सकते हैं उसके पल्स को, लेकिन जो अपर लेवल के होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्च्यून टेलिंग जैसे कि हेवनली के जो सीक्रेट होते हैं उसे बताना। जब हमारा एमसी ये सब देखता है तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह पाता, उदास होकर उस पर मुंह लटका कर बैठ जाता है और वो बंदा उससे कहने लगता है कि हे यंग मैन क्या तुम यहाँ पर जो बाकी के 2 स्टोन 9 होल्स ओरिजिन स्टोन बचे हुए हैं तुम उनमें से कुछ ट्राई करना चाहोगे, तुम चाहो तो मैं उन दोनों के स्टोन को 2000 स्प्रिट स्टोन में बेच सकता हूँ पर स्टोन के हिसाब से। तभी हमारा एमसी उससे कुछ भी नहीं कहता और वो वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है और अपनी आंखों पर अपनी उंगलियों को रखकर वहां पर गिनतियां गिनना चालू कर लेता है, नंबर्स को गिनता है 1 2 3 4 5 जिसको देखकर सभी के सभी लोग कतई शौक हो जाते हैं, खासकर हमारे एमसी शीशान का वो अपोनेंट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही जो हाई ग्रेड की क्रिस्टल सोर्स यहाँ पर मेरा जा चुका है लेकिन सिस्टम ने यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि जो मेरा जो फेलोर है उसका जो प्रॉम्प्ट है जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया हुआ, इससे साफ साफ पता चलता है कि मेरे जो टास्क है उसे ओरिजिनल हाई ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स की जरूरत है कम से कम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी भी ओरिजिनल स्टोन्स बचे हुए हैं जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है तो मैं उस वाले हाई इससे भी ज्यादा हाई रेट के स्टोन को हासिल कर सकता हूँ। और अभी मेरी जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन है उसको देखते हुए मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया था उन 3 ओरिजिनल स्टोन में, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो विजन है वो अभी पूरी तरह से शार्प नहीं है, मुझे अपनी आंखों पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा और इन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और एक्सरसाइज करने लगता है और उसे खत्म करता है और एक्सरसाइज करने के बाद जैसे वो अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है इस मैच को जीतने का और उसकी जो देखने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और खड़ा होने के बाद वो इधर उधर देखने लगता तो उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ट्रांसपेरेंट कर सकता है किसी भी चीज को और किसी की चीज बीच के आर पार देख सकता है। पहले तो इसे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के सिर्फ थोड़ी सी दिखाई दे रही थी महसूस हो रही थी लेकिन अब वो उस एनर्जी को पूरा महसूस कर सकता है देख सकता है। ये बात जानने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मेरा जो विजन है वो और भी ज्यादा क्लियर हो चुका है और जिसको सोचते हैं वो आगे की तरफ बढ़ता है और वहां पर जितने भी स्टोन्स लोग होते हैं वो सभी की एनर्जी को महसूस कर सकता है
और उन्हीं कई सारे स्टोन्स के बीच में उसे एक ऐसा स्टोन दिखाई देता है जिसकी एनर्जी पूरी लेवल तरीके से पूरी तरीके से डिफरेंट होती है और वो उस स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है तो सभी से भी लोग सरप्राइज होते हैं। तभी हमारा एमसी उस पत्थर को उठाकर उससे कहने लगता है कि मैं इस पत्थर को लेना चाहूंगा। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से कचड़े में जाकर इस तरीके से पत्थर को पिकअप करने की जरूरत नहीं, वो भी खुद से, तुम्हें बस गिव अप कर देना चाहिए अगर तुम हार गए हो तो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये जो ओरिजिन स्टोन है इसमें साफ साफ क्लियर बीन्स दिखने में लगी हुई है और साफ साफ पता चलता है कि ये काफी ज्यादा डीप और सॉलिड टेक्सचर है इसके अंदर। इससे साफ साफ पता चलता है कि इस स्टोन को माइन के काफी अंदर से लाया गया है और इस स्टोन सेल को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर का जो क्रिस्टल सोर्स का ऑरा है वो बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है, तुम्हें तब दिखाई नहीं देगा और सिर्फ पूरी तरीके से ब्लॉक ही नहीं कर दिया इसके ऑरा को बल्कि में हाई ग्रेड के जो क्रिस्टल सोर्स है उसे आइसोलेट कर दिया है पूरी तरीके से। ये बात सुनने के बाद इस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी हमारा एमसी शीशन अपने हाथों की पावर से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसके अंदर की चीज को निकाल सके और जैसे ही वे पत्थर टूटता है तो उसमें से एक लाल कलर का क्रिस्टल निकल जाता है जिसको देखने के बाद वे बंदा इतना तो शौक होता है कि वो चिल्ला के मारे कहने लगता है कि रेड क्रिस्टल सोर्स। और तभी वो फैंग जब उसे देखता है तो कहने लगता है कि ये तो हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस तरीके का हाई ग्रेड का जो क्रिस्टल ओरिजिनल स्टोन है वो इस तरह के कचड़े में पड़ा होगा। और जिसने हमारे एमसी शीशान के साथ शर्त लगाई थी वो उस मर्चेंट की गर्दन पकड़कर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी वो मर्चेंट उससे कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, वो सभी के सभी मटेरियल जितने भी थे वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ बल्क में खरीदे हुए थे एक गार्बेज से जिसे फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था। किसे पता था कि इस पूरे के पूरे कचरे के अंदर हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स हिडन होगा, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। तभी हमारा एमसी शीशान उससे क्या लगता है कि भले ही जो क्रिस्टल सोर्स है इसका जो साइज है वो वाकई में बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन इसकी जो वैल्यू तुम्हारे हाई ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स से काफी बड़ी है जो कि तुमने अभी भी ओपन किया था। इससे साफ साफ साबित हो चुका है तो कि तुम ऑलरेडी मेरे से ये मैच हार चुके हो, अब तुम फटाफट से तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल सोर्स मौजूद है जो भी तुमने अभी ओपन किए थे वो मुझे दे दो और जो 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन तुमने सर पर लगाए थे वो भी दे देना मुझे। इस बात से इस बंदी का भी तो बेइज्जती हो जाती तो वो काफी गुस्से में होता लेकिन उसे काफी लोगों के सामने इसने शर्त रखी तो शर्त को मानते हुए वो रिंग को उसे दे देता और हमारा एमसी उसको अपने हाथों से पकड़ लेता और उसके पास इस वक्त दो रिंग मौजूद है। जहाँ पर उसे रिंग देते हैं उससे क्या लगता है कि ये दोनों के दोनों स्टोरेज रिंग है, रेड के अंदर वैसे क्रिस्टल सोर्स मौजूद है जो कि हमने आज ही आज काटे थे और दूसरे वाले के अंदर वह 10,000 स्पिरिट स्टोन्स मौजूद है जो कि तुमने मैं तुमसे वादा किया था। और तभी फैंग उस बंदे के साथ भी वापस जाने लगता है और सभी के सभी लोग उस मैच को देखते रह जाते हैं और वह बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप पर इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं है जियांग शीशान, क्योंकि जो रियल शो है वो यहाँ पर चालू होने वाला है और हमारा एमसी उससे कुछ भी नहीं कह पाता। तभी हमारे एमसी की जो चेली होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और हमारे एमसी से कहने लगते है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो ब्रदर, मैंने इतना सोचा था तुम्हारी जो अप्रेशर टेक्निक है वो उससे भी ज्यादा हाई लेवल की है, यहाँ तक कि जो नॉर्मल अप्रेशर मास्टर है वो भी तुम्हें हरा नहीं सकता, आई मीन हायर लेवल का। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी कभी सरप्राइज होता और उससे कहने लगता है कि बस मेरी किस्मत अच्छी थी और कुछ भी नहीं और वो उस छोटी सी बच्ची से आई मीन उस लड़की से कहने लगता है हमारा एमसी को तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की थी आज, लो तुम्हारे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये बात जानने के बाद वो लड़की काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो 10,000 लू ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है ना, इसको देखकर वो तुरंत मना करते हैं उससे कहने लगती है कि ये नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मैं इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे ले देना चाहिए, वैसे भी मेरा इनका बिल्कुल भी कोई भी इस्तेमाल नहीं है, आफ्टर ऑल मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो मेरे लिए कचड़े के बराबर हो कुछ भी नहीं, लेकिन उससे ये कह तो नहीं सकता ना। तो उससे लड़की से कहने लगता है कि मेरे पास वाकई में बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन मुझे मिल चुके हैं, क्रिस्टल सोर्स मिल चुके हैं जो कि मैंने आज ओपन किए थे वही मेरे लिए काफी होंगे। और इसी तरीके से वे घर पर पहुंच जाता है और अपने सिस्टम को चेक करने लगता है, यहाँ पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुम्हें जो कंपलसरी टास्क दिया गया था तुमने उसे कंप्लीट कर लिया है, फेंग त्यांशो को एक्सेप्ट कर लिया था तुमने चैलेंज को कंपटीशन को उसे जीत चुके हो और लियाओ चेंग गैम्बलिंग को भी चैलेंज किया था और 1,000 क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल चुके टोटल रिवॉर्ड के तौर पर और डिडेक्ट किया गया है क्रिस्टल सोर्स को एक लार्ज पीस का अपर ग्रेड क्रिस्टल सोर्स, 1 स्मॉल पीस हाई ग्रेड क्रिस्टल सोर्स, 1 पीस ऑफ हाई ग्रेड क्रिस्टल सोर्स, 1 पीस ऑफ मिडिल ग्रेड क्रिस्टल सोर्स। ये बात सुनने के बाद का देखने के बाद हमारा एमसी शीशान अपने आप से कहने लगता है कि जो सिस्टम है उसे अपग्रेड करने के लिए 2,000 मिडिल ग्रेड के क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी और आखिरकार आज का जो मेरा हार्वेस्ट है वो किस तरीके से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूं। तभी नेक्स्ट सीन हमें सेक्ट मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जहां पर वो मर्चेंट आ जाता है और हमारा एमसी भी वहां पर मौजूद है जो कि मर्चेंट वहां पर आने के बाद कहने लगता है कि हेड मास्टर जरा मुझे पर प्लीज फेयर जजमेंट की है हमारे खिलाफ, जो स्पिरिट स्टोन है जो कि मैंने आज एक्सचेंज किए थे इस बंदे के हाथों से और अब यहां कर सभी के सभी एक ऑर्डिनरी स्टोन बन चुके हैं तो मैं आई मीन आपको मेरे खिलाफ इंसाफ करना होगा, इसने ब्लाइंडिंग टूल का इस्तेमाल किया होगा मुझे ट्रिक करने के लिए। इस बात को सुनने के बाद शीशान चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने सारे के सारे जो स्टोन है अपने क्रेडिट पॉइंट के साथ रिडीम किए थे लेकिन अगर कर तुमने उसे जब क्यों तब चेक क्यों नहीं किया था जब तुमने इसे रिसीव किया था। ये बात सुनने के बाद वो मर्चेंट उससे कहने लगता है कि हम जो मर्चेंट है वो सिर्फ लो लेवल है कल्टीवेशन में, तो आखिरकार तुम जैसे हाई लेवल के कल्टीवेशन लोगों की ट्रिक को हम कैसे आजमा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं।
ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उससे कहने लगती है, तो आखिरकार तुम किस तरीके की बातों को प्रपोज करना चाहते हो? आखिरकार मैं क्या करूं इसके मैटर के बारे में, तुम बताओ मुझे। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि अब जबकि जो फेक स्पीड स्टोन का इस्तेमाल किया गया था इस डील को करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इस डील को तुम इनवैलिड कर दो, और इसलिए जो क्रिस्टल सोर्स है जो कि मुझे बेचे गए थे वो उसके ओरिजिनल ओनर पर वापस कर दिए जाए। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता सजा, बल्कि मैं जो हाई ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स है जो कि आज आप तुमने हासिल किए थे, वो सभी के सभी ग्रेड क्रिस्टल सोर्स मुझे वापस दे दो। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो हमारे एम्स को स्कैम करने के लिए आया हुआ है। तभी हमारे एमसी शीशान उसको देखकर सुनने के बाद उसकी बातें कहने लगता है कि आखिरकार अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो तुम ये चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है कि मैंने सभी के सभी क्रिस्टल सोर को ऑलरेडी यूज कर लिया और एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है मेरे द्वारा। इस बात को सुनने के बाद वो मर्चेंट काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल ही बात है कि वो एक हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर था, तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी इसे एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो? तभी सेक्ट मास्टर अपने में से एक आइटम निकालते हैं और उससे कहने लगती है कि ये एक हाई ग्रेड का सोर्स फिन डेडिंग है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसी जगह को, ऐसे चीज को डिटेक्ट कर सकता है, ऐसे स्टोन को डिटेक्ट कर सकता है जिसके अंदर हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स मौजूद हो। क्या तुम इसे कंपनसेट के तौर पर मान सकते हो? ये बात को सुनने के बाद हमारा एमसी सीतन चिल्लाते हो, उसे मना करते हो, कहने लगता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो मर्चेंट हंसता है, उससे कहने लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, इतना मेरे लिए काफी होगा, मैं इसको अपनी लॉस की तरह मान सकता हूँ। और शीशान को भी ये काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा होता। दूसरा मुझे मर्चेंट मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जवान हो बच्चे, तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। और तभी उसी रात को उस मोबाइल पर एक नई खबर फैल जाती है कि जुआंग शीशान को यहाँ पर उसके जो सेमलेस बिहेवियर है उसे एक्सपोज कर दिया गया है कि वो उस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा था उस मर्चेंट को डिसीव करने के लिए, उसे पागल बनाने के लिए ये ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा था। और जुआंग शीशान एक हाई लेवल का कल्टिवेटेड बारबेरियन है, उसके बारे में बुराई करने लगता है सभी के सभी लोग। और जब ये बात शीशान को पता चलती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्यों हैं जो कि मेरे बारे में बात करने में लगे हुए हैं, तो ये तो कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों रखी है मेरे बारे में यहाँ पर। जहाँ पर हमारा एमसी उस बारे में सोचने लगता है जब उसने कहा था साइड स्टोरी में अपने सेक्ट मास्टर से, और पूछ रहा था हमारा एमसी उससे कि हे मास्टर आप मुझे बताइए कि साफ साफ दिख रहा था कि जो मर्चेंट है वो आपको डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल कर पागल बनाने की कोशिश करने में लगा था, तो आखिरकार तुमने कॉम्प्रोमाइज कैसे किया उस बंदे के साथ? ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी शीशान को बताने लगते कि मैं उस मर्चेंट वाले को ये बताना तो भूल गई थी, एक बार तुम इस डिवाइस को एक्टिवेट कर लोगे तो उसके बाद कई सारे हाई लेवल के जो डीमंस है उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? यह साइड स्टोरी वाली बात थी। और उसी के बाद एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ हमें कुछ लोगों को, कुछ छोटे छोटे जानवरों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही है यूलिन माउंटेन सेट के, यूलिन सेट के जो बगल वाला माउंटेन है उसके बगल वाले साइड वाले इशारे पर जहाँ पर हमारा एमसी रहता है। यहाँ पर कई सारे लोग अपनी जिंदगी आसानी से जीने में लगे हुए थे तब तक जब तक एक मॉन्स्टर उनकी जिंदगी में दखल देने के लिए नहीं आ गया था, और वो बंदा प्रोटीन का भूखा था, और वो बंदा उन छोटे छोटे रहने वाले जीवों को अपने हाथों से पकड़ ले जाता है और उनकी जिंदगियों को नष्ट कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी शीशान होता है। और उस मुर्गी को पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि मेरे जो आज के प्रोटीन की जुगाड़ है वो हो चुकी है, और इस माउंटेन के जितने भी जानवर है उन सभी के सभी जानवरों में एक खबर फैल गई कि एक प्रोटीन से भूखा हुआ डीमन किंग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जिससे कि सभी के सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर जाने में लगे हुए, इस जगह को छोड़कर, जिससे कि अब हमारे जो शीशान है जुआंग शीशान उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसे हासिल करने के लिए अब जंगलों के और ज्यादा अंदर जाना रहेगा। और जब वे अंदर जा रहा होता है तभी वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है उसको, जिसको देखकर हमारा एमसी शीशान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पता लगाने के लिए वहां पर अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, और क्या लगता है कोई तो यहाँ पर आगे है जो कि मदद की भीख मांगने में लगा हुआ है, और फुल स्पीड में आगे की तरफ जाकर चुपके देखने लगता है। और देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि एक बंदे पर एक बहुत बड़ा बीस्ट अटैक करने में लगा हुआ है, और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि इतना बड़ा विल्ड बोर मुझे कितना ज्यादा प्रोटीन हासिल होगा अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो। तभी उसको देखकर क्या लगता है कि सर एक मिनट रुको, ये जो विल्ड बोर है वो जिस बंदे का पीछे करने में लगा हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि मैं फेंग तियांशु है, जिसने उस सोर्स को, क्रिस्टल सोर्स को मेरे साथ कुछ दिन पहले बैट किया था। तभी वो बिल्ड बोर उस बंदे को एक जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे कि वो बंदा दूर जाकर गिरने लगता है। इसको देखकर शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि ये जो वही सीनियर नहीं है क्या, आई मीन जो सीनियर था मेरे साथ जो कंपटीशन करने के लिए आया था वो है उसके साथ आया था यही बंदा तो, और आखिरकार ये इस बिल्ड बोर के साथ कंपटीशन क्यों करने में लगा हुआ है अब? क्या इसने अपने सभी के सभी स्किल पॉइंट्स को सोर्स अपने दिल में डाल दिया था क्या? इसके पास बिल्कुल भी फाइटिंग कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है क्या? तभी वो बंदा खड़ा होता है मार करने के बाद और कह रहा होता है कि ये पूरी की पूरी जगह आइसोलेट हो चुकी है, लगता है कि मैं इस बात बहुत ज्यादा परेशानी में घिर चुका हूँ। और तभी वो साइड में देखता तो उसकी नजर हमारे एमसी शीशान पर जाती है और वो हमारे एमसी शीशान से भीख मांगने की कोशिश करने लगता है अपनी जान की। और जैसे वो कहने वाला होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, अभी अभी कुछ दिन पहले तो मैंने इससे पंगे लिए थे और उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती करने की कोशिश की थी, क्या वो बंदा वाकई में मेरी मदद भी करेगा? तो वो उससे अपनी जान की भीख नहीं मांग पाता और ना ही मदद की भीख मांग पाता है। तभी वो बिल्ड बोर हमारे उस बंदे को, आई मीन फेंग को, बहुत ज्यादा जोर से टक्कर मारता है
इसको देखने के बाद शीशन काफी सबराज होते हुए लगता है कि ओ शिट, ये तो वाकई में बहुत धोखा होगा। और अपने आप से क्या लगता है, क्या मुझे यहाँ पर इस बंदे की मदद करने के लिए आगे जाना चाहिए? आखिरकार कुछ दिन पहले ये बंदा मुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा फेलो डिसिपल है, मेरे साथी डिसिपल है, तो मुझे इस तरीके से चुपकर इसे देख ही देखना चाहिए मरते हुए। तभी सिस्टम उसे टारगेट कर देता है और एक नया मिशन ट्रिगर कर देता है, और ये मिशन देता है कि इसे फेंग तियांशु की जान बचानी होगी। अगर तुम्हें यस करते हो तो 100 ट्रेनिंग पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नो करते हो तो तुम्हें एक हाई क्वालिटी का स्पोर्ट्स वेयर मिलेगा, वो भी डिफेंस के लिए जो बनाया गया है, जो कि पावरफुल इंडिविजुअल्स को रोक सकता है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी कितनी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि स्पोर्ट्स वियर, सॉरी मुझे माफ कर देना फेंग तियांशु, लगता है कि मेरा जो सिस्टम है वो भी तुम्हारे खिलाफ है, लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। तभी वो फेंग तियांशु उस वीर से फाइट करने में लगा हुआ होता है और वो जमीन पे पड़ा होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अभी भी हमारे एमसी को देखने में लगा हुआ है। और जब वो हमारे एमसी शीशन को इस तरीके से हटते हुए देखता है तो वो कहने लगता है कि ये बंदा अभी भी मेरा मजाक उड़ाने में लगा हुआ होता है, लगता है कि ये बंदा मेरी भी मदद करने के लिए बिल्कुल भी इंटेंट नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। खैर इससे और ज्यादा उम्मीद भी किया जा सकती है, जैसा की मैंने उम्मीद किया था, मुझ जैसा एक बंदा जो की हवा के साथ बहता रहता है और हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने अपना सर दुखा देता है, वो डिजर्व कर सकता है, करता है ऐसे ही आउटकम को। मैंने इस यूलिन इमोर्टल सेट को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मेरे फैमिली और मेरे गांव वाले के द्वारा जो मुझे मिशन दिया गया था ताकि मैं उनकी जिंदगी को और ज्यादा बेटर बना सकूं। जहां पर मेरे दद्दू ने उससे मेरे से कहा था कि फेंग तियांशु जो जो पूरी की पूरी फैमिली है, फ्यूचर उसका जो फैमिली का जो फ्यूचर है वो तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे मेडिकल टैलेंट एप्टीट्यूड होने के कारण मेरी वैल्यू किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ पर तो एल्डर स्लाइम होते हैं वो भी यही कह रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे जो लेवल है उसको देखते हुए तुम वाकई में इनर सेक्ट में एंटर करना चाहते हो, और पावरफुल बंदे के सामने मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा और मैंने अपने आप को वहां पर सबमिट कर दिया था। जहां पर ये बंदे ने मुझसे कहा था कि तो बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही तरीके से मेरे सामने सबमिट किया है, मैं तुम्हें यहां पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकता हूं तुम्हारे कल्टीवेशन करने के लिए। जो मेरा ओरिजिनल इंटेंशन था मेरी फैमिली को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए अपनी फैमिली को, वो तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका था और मैं वाकई में अपने फैमिली के नाम पर मैं शर्मिंदगी से भरा हुआ हूं। जो मैंने बोया था वही मैं काट रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं ये सब। जैसे ही वो डीमन वो बोर उस फैंग पर अटैक करने वाला हो तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि वो मरने वाला है। और जैसे वो बोर उस पर अटैक करता है तो हमारा एमसी स्टेशन उसके सामने आकर उस बोर को रोक लेता है। इसको देखकर ये फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज से भर जाता है। यहाँ पर शीशान उससे कहने में लगा हुआ होता है कि वाकई में ये बात मानना पड़ेगा कि स्पोर्ट बियर के कम्पेयर में जो प्रोटीन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अपीलिंग है। इसको देखने के बाद वो फैंग काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जुआंग शीशान तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो मेरी जान बचाने के लिए। और तभी हमारा एम शीशान एक पंच मारता है उस बोर के मुंह में और उस बोर के मुंह में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो फैंग काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने बस एक बंदे एक मूव में इस बंदे को मार दिया। तभी शीशान उससे कहने लगता है क्या तुम अभी मुझसे कहने में लगे हुए थे कि जो लार्ज साइज का जो विल्ड बीस्ट है वो थोड़ा ही तो बड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैंने उसे एक बीस्ट एक मुक्के में मार दिया। तो ये बात जानने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम उसे विल्ड बीस्ट कहने में लगे हो, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो फोर्थ लेवल का डीमन बीस्ट है, कंपेरेबल करें तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में तो गोल्डन कोर स्टेज का बंदा है वो। तभी शीशा ये बात सुनने के बाद उससे कहने में लगा हुआ होता है क्या वाकई में ऐसा है क्या, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है उन चिकन और डक्स के मुकाबले में, एक हिट और वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। ये बात सुनने के बाद फेंग शिन वो कुछ भी नहीं कह पाता और तभी थोड़ी देर बाद सोचता है और उससे कहने लगता है कि हमारे बीच में कुछ दिन पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो आखिरकार तुम मेरी जान बचाने के लिए क्यों हुए क्यों आए? तभी शीशान उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं है, बल्कि मैंने उसको सोचा कि आज क्यों ना रोस्टेड बोर्ड विल्ड बोर्ड को खाया जाए, इसलिए मैं बस इसे पकड़ने के लिए आ गया था, तुम्हारा मुझसे कुछ भी लेने देना नहीं है। और अगले ही पल में दिखा जाता है कि हमारा एमसी शीशान उस विल्ड बोर्ड को पकाने लगता है, वो भी बड़ी सी आग पर, और वो दोनों को दोनों बैठकर आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इसे खाने में कामयाब रहोगे और तुम मतलब तुम इसे नहीं खाओगे, मैं इसे पूरा खा लूं तो कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद वो फेंग उससे मना करते हैं, उससे कहने लगता है कि ये जो मीट है वो फोर्थ लेवल के डेमोनों के बीस्ट का है, अगर मेरी करंट स्टेट को देखा जाए अगर मैं इसमें से एक बाइट भी लेता हूँ तो इसकी जो एसेंस है या फिर इसकी जो अंदर की क्यू है जो एनर्जी मौजूद है उसे मैं सप्रेस नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद मेरी जो बॉडी है वो एक्सप्लोड हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है, क्या तुम्हें इस तरह ज्यादा एग्जेजरेट करने की जरूरत थी कि चीजों को, ये बस एक रेगुलर बारबेक्यू मीट है उसमें और क्या ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी फेंग मन में सोचते हुए उससे हमारे एमसी को देखकर कहने लगता है कि ये बंदा पूरी तरीके से इंसेन है, इसका जो साइकिक है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि मेजर फोर्थ लेवल के डेमोनों के बीस्ट को इतनी आसानी से खाने में लगा हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। ये क्या इस बात को लेकर ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इसकी जो बॉडी है वो ओवरलोड होने के बाद फट जाएगी? तभी शीशान उससे कहने लगता है कि बाय द वे तुम इसे एक बात बताओ कि जो विल्ड बोर है वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? तभी मिस्टर फेंग उससे कहने लगता है कि पहली बात तो ये है कि मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा फिर से कि वो एक ऑर्डिनरी विल्ड बोर नहीं था बल्कि मैं फोर्थ लेवल का डेमोनिक बेस था। दूसरी बात यह है कि मैं एक डिवाइनर हूँ, जब मैं कल्टीवेट करता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात तब लगती है जब कोई मुझे डिस्टर्ब करे कल्टीवेट करने के लिए, तो मैं हमेशा एक
ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ पर आसपास कोई भी ना हो मेरे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। और हमारे शर्ट के पीछे का जो माउंटेन है वो पूरी तरीके से एम्प्टी है, और इस फॉरेस्ट के इनर सेक्ट में एक बॉर्डर लगा हुआ है जिससे कि जो डीमन माउंटेन की रेंज बनती है, और इसलिए मैं यहाँ पर मुश्किल से ही कोई आता जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए भी आएगा। और ये भी काफी रेयर वाली बात है कि जो डिमोनिक माउंटेन इस डीमन आई मीन डीमन माउंटेन के रेंज में जो बीस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा रेयरली आते हैं। और इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि जो फोर्थ लेवल के होते हैं वो तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अंदर रहते हैं इस फॉरेस्ट के। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज चलने में लगी हुई है जिसे हम लोग अभी तक देख नहीं पाए हुए हैं? वैसे वो तो छोड़ो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी किस तरीके से रिपे करूं? मुझे वाकई में दूसरों के फेवर्स पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसा रहा कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को रीड कर दूं, तो जिससे कि तुम्हारी जो फ्यूचर है और तुम्हारी जो किस्मत है वो अच्छी हो जाएगी? बस यही है कि मैं तुम्हें एक चीज ऑफर कर सकता हूं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम डिवाइनेशन करना चाहते हो? अगर मेरी जो करंट स्टेटस है उसे देखकर देखा जाए तो मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूँ। ये चीज वाकई में मेरे काम भी आने वाली है, और मन में सोचते कहने लगता है क्योंकि रॉयल फैमिली की तरह वांटेड क्रिमिनल जो बन चुका है ऑलरेडी बेचारा, और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ये चीज। और तभी वो वहां पर रेडी होते हैं वो देखने के लिए, और वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वो फैंग एक डिस्क निकालता है, उससे कहने लगता है कि अगर मुझे डिवाइनेशन करना है और फ्यूचर के बारे में पता लगाना है तो मुझे लैडर को तुम्हारी किस्मत की जो सीढ़ियां हैं उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा, और जितना ज्यादा मैं क्लाइम करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं फ्यूचर तुम्हारा देख सकता हूँ। ऑफकोर्स ये बात है, इसके बदले में मुझे ग्रेटर प्राइस भी देनी पड़ेगी। खैर वो सब छोड़ो, हम लोग अपने इस प्रैक्टिस को चालू करते हैं। और तभी वहाँ पर उसकी जो डिस्क होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसकी डिवाइनेशन भी। और तभी ये फैंग अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता, और ये पूरी जगह खाली पड़ी होती है। इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार इस बंदे की जो किस्मत की सीढ़ियां हैं वो इस तरीके से कहाँ गायब हो चुकी हैं, और यहाँ पर एक ऐसा डोर क्यों है जिसे यहाँ पर लॉक कर दिया जा चुका है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मान के चलो अगर 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 किसी बंदे ने यहाँ पर एक हाई लेवल के स्पेल का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो सीक्रेट्स को छुपा सके हेवन को, तो मुझे ही लगता कि मैं यहाँ पर इसके स्पेस में एंटर करने के बारे में सोच भी पाता। लेकिन मैं यहाँ पर अब जबकि आ चुका हूँ इस स्पेस के अंदर, तो मैं यहाँ पर सीढ़ियां तो देख ही सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सीढ़ियां तो नहीं दिख रही है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस दरवाजे के अंदर इसकी किस्मत की सीढ़ियां लगी हुई है, और मुझे अगर इसके फ्यूचर के बारे में पता लगाना है तो मुझे इसके अंदर जाकर देखना होगा। और तभी वो जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता और अपनी उंगली से टच करता, तो तभी वहां पर एक जोड़ का बिजली का झटका लगने लगा, और झटके के कारण वह मिस्टर फैंग बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर शीशान भी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और उसकी हालत पतली हो जाती है। तभी शीशान चिल्लाते उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? तभी फैंग मन में सोचते हुए कह लगता है कि मैं फेल हो गया, क्या मेरी जो स्किल्स है वो वाकई में लैकिंग करने में लगी हुई है, कमजोर है मेरी स्किल, क्या फिर इस मैन का जो फ्यूचर है वो अनरीडेबल है जिसे रीड नहीं किया जा सकता? तभी शीशान उससे कह लगता है कि हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए, आफ्टर ऑल मैंने जो तुम्हारी मदद की थी वो बस एक छोटा सा फेवर था, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी बंदा उससे कह लगता है कि नहीं, मैं वाकई में दूसरे को फेवर्स को ओयो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर मैं तुम्हारे फ्यूचर को रीड नहीं कर सकता तो तुम्हारा जो नेम है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे पूछ लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम मेरे नाम को क्लियर कर दोगे? तभी फेंग उसे बताने लगता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारा जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर जो सोर्स सेलर है और जो ओरिजिनल क्रिस्टल सोर्स वियरर है वो सभी के सभी सेट है वो लियाओ चेंग के द्वारा सेटअप किया गया था, और जो मर्चेंट था वो उसके फैमिली का एक सर्वेंट था, और जो ओरिजिनल क्रिस्टल सोर्स थे वो जिसपे हमने बिड किया था वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया था एडवांस में, लेकिन हमने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वहां पर एक हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स आ जाएगा उन कचरे के अंदर जिसे तुमने पिकअप कर लिया था, और उसके बाद तुम्हें फैब्रिकेट कर दिया जाएगा या फिर तुम्हारे पर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि तुम फेक स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि तुम्हारी रेपुटेशन को पूरी तरीके से हम लोग तबाह कर सके। यह उस बंदे का प्लान था। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि लेकिन मैं समझ चुका था कि जो ट्रेवल मर्चेंट था उसे उसकी जो रिट्रीब्यूशन है वो जरूर मिल चुका है, उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो आइटम चुराया है जो लिया है जबरदस्ती हमारे सेक्ट मास्टर से, भाई वो कोई आम आइटम तो था नहीं वैसे भी। तभी वो फैंग उससे कहने लगता है कि मैं उस एक्सपोज करूंगा उस लेआउट चेंज के सभी के सभी जितने भी स्कैम्स है जिसके तुम्हारे खिलाफ किए उसने, और एक आर्टिकल लिखूंगा उसके सच्चाई के बारे में, उससे तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे कहने लगता है कि लेकिन लेकिन तुम्हें पता भी है ना कि तुम लेआउट चेंज के सबॉर्डिनेट हो, इससे तुम्हें बिल्कुल भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं कैसे? तभी हमारा एमसी उससे वो जो फैंग है वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि आफ्टर ऑल ये सब होने के बाद जो मेरी लाइफ और डेथ का जो एक्सपीरियंस जो मैंने झेल लिया है और जो चीज मैंने पास्ट में खो दी थी जो वो चीज मुझे अब यहाँ पर मिल चुकी है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित तो ठीक रहूंगा। तभी अगले दिन में हमें देखा जाता है कि कई सारे और ज्यादा रूमर्स फैलने में लगे हुए होते हैं जहाँ पर उस बंदे ने सबको एक्सपोर्ट कर दिया हुआ था, किस तरीके से कि जो मर्चेंट के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ था हमारे एमसी शीशान को लेकर उसका मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर दिया जा चुका है, जियोन शंगशान पूरी तरीके से जो जुआंग शीशान था उस पर झूठा झूठा इल्जाम लगाया गया था। ये बात जाकरने के बाद शीशान वो काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि इस बंदे ने वाकई में यहाँ एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया है और जो इस चीज है वो ट्रेंडिंग में आ चुकी है बहुत ज्यादा तेजी से। और तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर फिर से एक और बार खबर फैलती है और सभी के सभी लोग बात करने में लगे होते हैं कि बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, जो मास्टरमाइंड था, जो सोर्स बैठ गए, वो एक्चुअली में फेंग तियांशु था और फेंग तियांशु भी डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करने वाला था। मतलब सारा का सारा इल्जाम फेंग तियांशु ने एक्सपोज किया था, तो वो सारा का सारा इस पर आ गया। ये बात जानने के बाद शुशन काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हो, एक रात के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रात गुजरी है और यहाँ पर जो कई सारे आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर फेंग तियांशु पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं और उसे अब्यूज करने में लगे हुए हैं। क्या ये वाकई में इंटरनेट का ट्रोल बन चुका है? तभी वो बंदा हमारा एमसी उससे पूछ कमेंट करके कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? और मतलब सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसे एक मैसेज कर भेजना चाहिए, कम्फर्ट करना चाहिए। तभी उधर से एक मैसेज आता है फेंग तियांशु की तरफ से कि तुम जल्द से जल्द साउथ पवेलियन में आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। ये बात जानने के बाद ये काफी ज्यादा सपरा हो जाता है और उससे कहने लगता है, इस बंदे तो बाकी में बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लाई कर दिया है। जिस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन का स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो उसके ऊपर गिर पड़ा हुआ है, जिसने इस बंदे ने मेरा नाम क्लियर करने की कोशिश की थी, लगता है कि मुझे इसे विजिट करना ही चाहिए, वहां पर जाना ही चाहिए। और तभी वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे बुलाया गया था। जब शीशन वहां पर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता और कहने लगता है कि यहां पर कहां है वो बंदा। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उससे कहने लगता है कि ओह तो तुम फाइनली यहां पर आ चुके। जैसे शीशन पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जो देखता, क्योंकि जो देखता है उसमें फेंग तियांशु को वहां पर रस्सियों से उठका कर उसे बांध दिया गया है और वहां में लटका दिया जा चुका है। वहां पर कुछ लोग होते हैं और ये वही बंदा है जहां पर जिसने उस कंपटीशन किया था हमारे एमसी शीशान के साथ, और वो उससे कहने लगता है कि यहां पर हम लोग अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। और फेंग तियांशु के बाकी में बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है यहाँ पर ऑलरेडी। तभी शीशन उससे कहने लगता है, क्या तुम वह बंदे हो जिसने इस बंदे की फेंग तियांशु को पीटने के बाद उसे टांग कर रखा हुआ है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तभी ये बंदा उससे कहने लगता है शीशान से, क्योंकि इसने जो मुझे गद्दारी की है मेरे साथ और मुझे तो धोखा दिया, इसका अंजाम तो यही होना था। ये बात सुनने के बाद एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि हम सभी के सभी लोग एक ही सेक्ट से आए हुए हैं, क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा कंपल्सरी या फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इस तरीके से अपने साथियों के खिलाफ इस तरीके से ब्रूटलिटी दिखाओ? उन पर थोड़ी बहुत दया तो दिखानी चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद ये बंदा हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि हंसते हंसते सेम सेक्ट, क्या तुम वाकई में इतने ज्यादा नेप बन चुके हो? तभी शीशान उससे क्या लगता है कि अब जबकि तुम्हें इस तरीके से ऐसे रख दिया है बहुत अच्छे। और तभी हमारे एमसी के आसपास से धुआं निकलने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा हमारे एमसी को रोकने की कोशिश करता है और अपनी मैजिक क्रिस्टल को उस बंदे के सर के चारों तरफ लगा देता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अगर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो ये बंदा तुरंत यहीं पर मारा जाएगा। ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी सफलता हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता और वो उससे कहने लगता है कि तुम जल्द से जल्द अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाओ और मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं इस बंदे को मार दूंगा। और वो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो उसकी गर्दन में लगभग जाने लग रहे होते हैं। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि रियली मैं चाहे किसी भी वर्ल्ड में चला जाऊं लेकिन विलन हमेशा तुम जैसे सेम ही रहते हैं। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि अभी भी तुमने क्या कहा, और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि एक झटके में हमारे एमसी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो बिना किसी परेशानी के फेंग तियांशु को वहां से निकालने में कामयाब रहता है, वो भी एक झटके में। और वो बात देखकर वो बंदा काफी शॉक हो जाता है। तभी हमारा जो एमसी शीशान है वो उस बंदे को जमीन पर उतार कर रख देता है और उससे गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे यहाँ पर अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए आया हुआ हूँ और अभी का भी। ये बात जानने के बाद ये बंदा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार इसने ये सब कब किया। ये बात जानने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे के आप समझ में आया कि तुम्हारे पास अभी भी इतना एरोगेंट होने का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि तुम्हारी जो फुटबॉल टेक्निक है वो वाकई में अमेजिंग है, मानना तो पड़ेगा। और तभी अपने सभी के सभी साथियों को हमारे एमसी शीशान पर अटैक करने के लिए क्या देता, तो वहां पर जितने भी उसके चेले होते हैं वो हमारे एमसी पर एक साथ अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन जैसा हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहां पर बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन सभी के सभी लोगों की हालत पतली हो जाती है और वो दूर जाकर गिरने लगते हैं। ये देखने के बाद ये बंदा काफी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, जहां तक कि मैंने अभी तक इसको मूव करते हुए भी नहीं देखा, तो आखिरकार ये सब कैसे हो गया? इससे पहले कि जब मुझे इसके एक्शन बिल्कुल भी दिखाई दिए थे, मुझे लगता कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस हो चुका था। मुझे लगता है चाहे इतनी भी कोशिश कर लूं फोकस करने की, चाहे इतनी, लेकिन मैं इसके मूवमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और तभी वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को वहां पर बुला लेता है, जो कि बिग डीपर स्वॉर्ड होती है, और कहने लगता है अपनी स्वॉर्ड बुलाने के बाद मेरी जो हाई रियलमी है इस बंदे से, और मेरे पास हेवन लेवल का वेपन भी मौजूद है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि खासकर एक फ्रेश मैन का बंदा मुझे यहाँ पर हराने में कामयाब रहे। और इसकी स्टेज के बारे में बात करने तो जो गोल्डन कोर रियलमी पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, तियांजी क्लास का बंदा है। जब ये इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी शीशान उस पर जोर से अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, और शीशान जैसे ही उस पर अटैक करने लगता है तो वो अपने उसकी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है और पता चलता है कि हमारे एमसी शीशान के हाथ कट जाता है उसकी स्वॉर्ड, जिसको देखकर शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और वो तुरंत बचने के लिए पीछे की तरफ भाग जाता है। और स्वॉर्ड को देखने के बाद कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि इसके जो स्वॉर्ड है वो मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो स्वॉर्ड है वो वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है अब तुम इसका मजा चखो, इस बार जो मेरी पावर है तुम्हें पता भी इसके बारे में कि जो मेरी स्वॉर्ड वेपन है वो हेवन लेवल का वेपन है, मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाऊंगा। तभी उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो कई सारे मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे एमसी शीशान पर वो अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिससे कारण उसे कई सारे कट निकलते हैं, उसकी बॉडी से खून निकलने लगते हैं। तभी हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर जबकि इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल करने में लगे हुए
तो मेरे पास भी कोई भी चारा नहीं बचता। हमारा एमसी भी अपने वेपन को समन करने लगता है और वहां से गायब हो जाता है। तो उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो दूर तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो स्वॉर्ड हमारे एमसी शीशन की तरफ अटैक करने के लिए जाती है तो हमारा एमसी अपने डम्बल को बुलाने के बाद उसके स्वॉर्ड में एक जोरदार से टक्कर मारता है, जिसके कारण उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो बीच में से मुड़ जाती है। जिसको देखने के बाद इस बंदे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो वाकई में बहुत कॉमेडियन होते हैं भाई साहब। इसकी स्वॉर्ड एक ही झटके में तोड़ दी और उससे क्या लगता है कि वो बंदा चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मेरा हैवल लेवल के वेपन को इस बंदे ने एक झटके में तबाह कर दिया। आखिरकार किस लेवल के वेपन का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है ये बंदा, मैंने तो इस तरह की वियर्ड डिजाइन को कभी भी नहीं देखा है आज तक अपनी लाइफ में। तभी शीशान उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है ताकि वो उसे हरा सके और एक जोरदार मुक्का मारता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वो उसकी उसको अपने हाथों से उसी गर्दन से दबा लेता है। इसको देखकर वो बंदा अपनी जान की भीख मांगते हैं, उससे कहने लगता है जरा एक मीटर को मुझे मत मारो, मुझे मत रखो, मैं गलत था, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन इस वक्त शीशान की बुरी तरीके से सटकी हुई होती है और वो थप्पड़ मारना चालू कर देता है उस बंदे के, दे मार दे धनाधन। और इसी मार खाने के बाद वो बंदा उससे माफी मांगते हैं, उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुमसे कभी भी पंगे नहीं लूंगा, मैं तुम्हें पता भी है कि मैं एक सीनियर हूँ तियांजी क्लास का, तुम्हें इसका अंजाम भी पता है कि तुम जो अभी क्या करने में लगी हो, जो मेरे काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे तक कनेक्शन है। तभी शीशान एक और थप्पड़ मारने के लिए एंगल में आता है और उससे क्या लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बकवास करते हो, और वो उसी कनपट्टी में जोर जोर से बजाना चालू कर देता है, वो भी बैक टू बैक, वो भी एक के बाद एक 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 के बाद एक एक के बाद एक बाद अपना पूरा का पूरा गुस्सा उस पर निकाल देता है। और इतनी ज्यादा गंदी तरीके से मार खाने के बाद इस बंदे की हालत इतना खराब हो जाती है कि इसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही होती, ना उसके अम्मा ना बाबा ना दादा ना नानी, कोई भी ना पहचान पाएगा इसकी शक्ल को, इतनी गंदी तरीके से पीट दिया होता है, मुझे भी देखकर उल्टी आ रही होती है इसको देखने के। और जब इसको मार देने में लगा हुआ होता है शीशांत, अभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कोई उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें उसके कुत्ते को पीटना है तो तुम्हें उसके ओनर से बात करनी चाहिए, तुम मैं एक फ्रेशमैन होने के नाते वाकई में बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट आ चुके हो, और इतना पावरफुल एनर्जी को महसूस करता है हमारा एमसी तो काफी ज्यादा सप्राप्त हो जाता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इतना ज्यादा पावरफुल प्रेजर मुझे महसूस होने में लगा हुआ है कि आखिरकार यहाँ पर अब कौन आ गया है, लगता है कि कुछ लोग आ चुके हैं इस बंदे को बचाने के लिए, जो कि वाकई में बहुत सरप्राइजिंग वाली बात थी। और ये सरप्राइज के साथ मैं इस एपिसोड को या फिर इस पार्ट को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो हमारा 100K का टारगेट का सपना है गाइस उसे आप कंप्लीट करा दीजिए। दो भी नया बंदा देख रहा है तो आपको बस सब्सक्राइब बटन पर दबाना है और कुछ भी नहीं करना, बस सब्सक्राइब बटन पर दबा दो और भाई काम आपका हो जाएगा, आपको कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट जिस तरीके से दिखा, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में मजा आएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा अगर सपोर्ट दिखाते हो तो। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाते हो, समझ गए ना, सपोर्ट दिखाते हो तो मैं जो एपिसोड है वो टाइम लग रहा है तो मैं और बैक टू बैक एपिसोड लाऊंगा, डेली एपिसोड लाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखा दे तो, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दोगे और अपना कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग मुझे अपना फीडबैक देना कि आखिरकार इसमें क्या कमी रह गई है, मैं इसमें क्या बेटर कर सकता हूं, और आपको क्या लगता है इस सीरीज के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, कौन आ गया है भाई, कौन सा कुत्ता आ गया, कौन सा मालिक हो गया, खैर वो सब छोड़ो ये तब एक बकवास थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सीन आउट। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा।